आज से करीब 60 साल पहले जब दूसरे ग्रहों पर जिंदगी होने की बात नामुमकिन सी मानी जाती थी, तब एक साइंटिस्ट ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के लिए प्रोत्साहित किया। जब बड़े बड़े बुद्धिजीवी ये मानकर बैठे थे कि वीनस पर पृथ्वी जैसे कंडीशंस हो सकती है, तब एक साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां का सरफेस टेम्परेचर करीब 500 डिग्री सेल्सियस है और वहां का एटमॉस्फेयर भी काफी खतरनाक है। वो साइंटिस्ट जिसने अपने टीवी सीरीज के माध्यम से पृथ्वी और अंतरिक्ष के रहस्यों को आम आदमी तक ला दिया, जिसने अपनी बुक्स और अपने विचारों से साइंस और एस्ट्रोनॉमी को एक नए मुकाम पर खड़ा कर दिया और हर इंसान के मन में ब्रह्मांड के रहस्यों की क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। मैं बात कर रहा हूँ कार्ल सैगन की, एक ऐसा नाम जो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में अमर है और जिसे स्पेस और साइंस में रुचि रखने वाला हर इंसान जानता है। यूनिवर्स की गहराइयों में तो मैं आपको हमेशा ही ले जाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कार्ल सैगन के लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियाँ, उनके अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स और उनके अद्भुत विचारों के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, कार्ल सैगन का जन्म 9 नवंबर 1934 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। उनके पिता सैमुअल सैगन यूक्रेन के कैमियानेट्स पोडिस्की से आए एक इमिग्रेंट गारमेंट वर्कर थे और उनकी माँ रोशेल मॉली ग्रूबर थी एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ। कार्ल सैगन को उनका नाम उनकी नानी शेया क्लेरा से मिला था। कार्ल के पेरेंट्स पारसी धर्म को मानते थे, हालांकि उनके अनुसार उनके पिता बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थे। कार्ल सैगन अपने आप में साइंस और फिलोसफी के प्रति क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का श्रेय अपने माता पिता को ही देते हैं और अपने बचपन के इन्हीं सब यादों को उन्होंने अपने बुक शैडोज ऑफ फॉरगॉटन एंसेस्टर्स में बड़ी ही खूबसूरती से बताया है। सैगन कहते थे कि मेरे पेरेंट्स साइंटिस्ट नहीं थे और ना ही उनका दूर दूर तक साइंस से कोई लेना देना था, लेकिन उन्होंने मुझे दो चीजें सिखाई, संदेह करना और आश्चर्यचकित होना, और यही दोनों चीजें साइंटिफिक मेथड्स का सेंट्रल थॉट मानी जाती है। इसी बुक में सैगन ने अपने बचपन की एक ऐसी मेमोरी के बारे में डिस्कस किया है जिसे आप उनके फ्यूचर का माइलस्टोन भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको उस मेमोरी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये बात है साल 1939 की। उस समय सैगन 5 साल के थे और उनके पेरेंट्स उन्हें न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में ले गए थे। यहाँ उन्होंने जो कुछ भी देखा उसने दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने वहां पर फ्यूचरामा को देखा। फ्यूचरामा दरअसल अमेरिका का एक मॉडल था जिसमें आसमान छूती बिल्डिंग्स दिखाई गई थी। शहर में मोटर से चलने वाली व्हीकल्स दौड़ रही थी। उन्होंने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल से फ्लैश लाइट कैसे जलती है और ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड वेव कैसे बनती है। उन्होंने एक ऐसी चीज भी देखी जो फ्यूचर में रेडियो को रिप्लेस करने वाली थी, मतलब कि एक टेलीविजन। इसके बाद उन्होंने देखा न्यूयॉर्क के फ्लसिंग मिडाउस पार्क में दफनाया गया टाइम कैप्सूल जो 1000 साल बाद के इंसान खोलेंगे। लेकिन आखिर किसे पता था कि दर्शकों की इस भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो बड़ा होकर ऐसे ही टाइम कैप्सूल्स बनाएंगे, लेकिन वो जमीन में नहीं दफनाए जाएंगे बल्कि हमारे गैलेक्सी की सैर करेंगे। ये टाइम कैप्सूल्स थे द पायनियर प्लेक्स और वॉयजर गोल्डन रिकॉर्ड। पायनियर प्लेक्स गोल्ड प्लेटेड एल्यूमिनियम के बोर्ड्स थे जिनमें कुछ स्पेशल सिंबल्स बनाकर उन्हें 1972 में पायनियर 10 और 1973 में पायनियर 11 स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की सैर पर भेजा गया था। और वही वॉयजर गोल्डन रिकॉर्ड दो फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स थे जिन्हें 1977 में लॉन्च हुए दोनों वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स में रखा गया था। इन दोनों ही टाइम कैप्सूल्स के पीछे का मकसद ये था कि एक ना एक दिन शायद दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियंस इन्हें देखेंगे और उन्हें पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के बारे में पता चलेगा। सैगन अपने लाइफ की एक और घटना को एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं कि एक बार उनकी माँ ने उन्हें लाइब्रेरी कार्ड लाकर दिया। उसे पाकर वो बहुत खुश हुए थे और वो सीधे लाइब्रेरी की तरफ दौड़ते हुए पहुंच गए। उन्होंने लाइब्रेरियन से स्टार्स से रिलेटेड बुक मांगी। इस बात पर लाइब्रेरियन ने उन्हें बताया कि हमारा सूरज भी एक स्टार ही है और आसमान में दिख रहा हर एक स्टार एक सूरज है। ये हमसे बहुत दूर है और यही कारण है कि ये हमें लाइट के एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखते हैं। ये सुनकर वो स्तब्ध रह गए। उनका मन अंतरिक्ष की गहराइयों में खो चुका था और लाइफ में पहली बार उन्होंने यूनिवर्स के वास्टनेस के बारे में सुना था। 7 साल की उम्र में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सैर के दौरान उन्होंने प्लैनेटरी सिस्टम को देखा, स्पेस के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना और डायनासोर के इतिहास से रूबरू हुए।
हाई स्कूल में पहुंचकर वो एचजी वेल्स और एडगर राइस बोरोस जैसे फेमस राइटर्स की साइंस फिक्शन स्टोरीज पढ़ने लगे। इससे उनकी इमेजिनेशंस मार्स और सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर जिंदगी की तलाश करने लगे। उन्होंने एलियंस के बारे में जाना और उनका इंट्रोडक्शन फ्लाइंग सॉसर से हुआ। कार्ल सैगन ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में स्टडीज की थी और उसके बाद उन्होंने रेयर्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी नाम का एक स्पेशल प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने साल 1955 में बीएससी फिजिक्स और 1956 में एमएससी फिजिक्स की डिग्री प्राप्त की। सन 1960 में उन्होंने अपनी थेसिस फिजिकल स्टडीज ऑफ प्लैनेट से पीएचडी डिग्री प्राप्त की। उन्होंने उस समय के महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट गेरार्ड क्विपर, मेल्विन कार्विन और जॉर्ज गैमोव के साथ भी वक्त बिताया था और इसके बाद तो उन्होंने नासा में भी एंट्री पा ली। साल 1961 में उन्होंने नासा के मेरिनर 2 स्पेस प्रोब पर काम करते हुए एक साइंस जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश किया। उस आर्टिकल में उन्होंने वीनस के एटमोस्फेयर के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे किए थे जो उस समय के साइंटिस्ट के सोच से परे था। उस समय के साइंटिस्ट ये मानते थे कि वीनस पृथ्वी की तरह ही लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट हो सकता है, लेकिन सैगन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीनस बहुत ज्यादा गर्म है और वहाँ के कंडीशंस बहुत हार्श हैं। उन्होंने वीनस से आने वाली रेडियो वेव्स की स्टडीज की और अनुमान लगाया कि वीनस का सरफेस टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस के करीब हो सकता है। उनकी सारी बातों पर अगले ही साल मैरिनेट 2 स्पेस प्रोब ने सच की मोहर लगा दी। नासा में रहते हुए उन्होंने अपोलो एस्ट्रोनॉट्स की ब्रीफिंग और कई सारे रोबोटिक स्पेस मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। सैगन उन शुरुआती व्यक्तियों में से थे जो ये मानते थे कि सैटर्न के मून टाइटन पर और जुपिटर के मून यूरोपा पर लिक्विड फॉर्म में ओशियंस प्रेजेंट हो सकते हैं। इन विचारों को सैटर्न पर गए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट और जुपिटर पर गए गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने साबित भी किया था। सैगन का ये भी मानना था कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर काफी डेंस है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ के क्लाउड्स में लाइफ पॉसिबल हो। वो मानते थे कि हम इंसानों को ह्यूमन स्पेस प्रोब और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसानों को स्पेस में भेजकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसके अपोजिट अगर यही पैसा हम रोबोटिक स्पेस मिशन में स्पेंड करें तो इससे हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। क्या आप बिलीव करेंगे कि उस समय यानी कि आज से करीब 50 साल पहले कार्ल सैगन ये समझ चुके थे कि ग्लोबल वार्मिंग इंसानों की बनाई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बहुत बुरे इफेक्ट्स आने वाले सालों में हमें एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। सैगन उन शुरुआती साइंटिस्ट में से थे जो ये मानते थे कि दूसरे ग्रहों पर भी एलियंस हो सकते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा पार्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में रिसर्च करते हुए बिताया और वो सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के भी मेंबर रह चुके हैं और आज वहाँ पर कार्ल सैगन को समर्पित एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर भी है। सैगन ने साइंटिफिक कम्युनिटी से ये अपील की थी कि उन्हें रेडियो टेलीस्कोप की मदद से स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दूर किसी प्लैनेट पर रहने वाले एलियंस हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो। उस समय उनके ये विचार काफी कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन सैगन का जादू ऐसा था कि 70 नोबेल प्राइज विनर्स ने एक पेटिशन देकर सेटी पर ये प्रेशर बनाया कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, एंड ऑब्वियसली ऐसा हुआ भी। जब फेमस अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने ड्रेक इक्वेशन के थ्रू यूनिवर्स के दूसरे ग्रहों पर भी लाइफ फॉर्म्स के होने की बात कही तो सैगन ने ना सिर्फ उनका समर्थन किया बल्कि उनके लिखे एरिसिबो मैसेज को 14 नवंबर 1974 को एरिसिबो रेडियो टेलीस्कोप के थ्रू स्पेस में भेजने में उनकी मदद भी की थी। आपको बता दूं कि एरिसिबो मैसेज में ह्यूमैनिटी और अर्थ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जिसे M13 ग्लोबुलर क्लस्टर की ओर प्रोजेक्ट किया गया था। कार्ल सैगन की बुक द ड्रैगन्स ऑफ एडेन स्पेक्यूलेशन ऑन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस को 1977 में पुलिट्जर प्राइज से भी नवाजा गया था। साल 1980 में उन्होंने कॉस्मोस ए पर्सनल वॉयज नाम की एक टेलीविजन सीरीज स्टार्ट की। इसमें टोटल 13 एपिसोड्स थे जिनमें पृथ्वी पर इंसानों के ओरिजिन से लेकर यूनिवर्स के रहस्य तक को दिखाया गया था। एंड यू मे नॉट बिलीव बट उस समय इसे 60 देशों के 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था और ये अमेरिकन टेलीविजन हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर टीवी सीरीज बन गई थी। इस शो के माध्यम से कार्ल सैगन ने ह्यूमन ओरिजिन और एस्ट्रोनॉमी के प्रति इंटरेस्ट को आम आदमी के दिलों में उतार दिया था और इसी के साथ उन्होंने इसी नाम से एक बुक भी पब्लिश की थी जिसने इतनी ही पॉपुलैरिटी और फेम बटोरा। इसकी तारीफ उस समय टाइम मैगजीन ने भी की थी
उनके साइंस फिक्शन बुक्स रीडर्स को एक अलग ही आयामों में ले जाती थी और जैसे साइंस की दुनिया के गहराइयों में डूब जाने पर मजबूर कर देती थी। साल 1995 में पब्लिश हुई उनकी एक बुक द पेल ब्लू डॉट, ए विजन ऑफ द ह्यूमन फ्यूचर ऑन स्पेस, कॉस्मोस सीरीज की सीक्वल थी और उसे भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। अपने अंतिम सालों में उन्होंने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रॉइड्स पर न्यूक्लियर डेटोनेशन और एस्ट्रॉइड माइनिंग के बारे में भी काफी रिसर्च की थी। दोस्तों, साल 1980 के बीच अमेरिका और रशिया के बीच न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की होड़ लगी हुई थी और सबके मन में ये डर भी बना हुआ था कि क्या पता कब एक देश दूसरे देश पर न्यूक्लियर हमला कर दे। ऐसे में 23 मार्च 1983 को अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने स्टार वॉर्स नाम के एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव को शुरू किया। इसके अंडर वो एंटी न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाना चाहते थे। कार्ल सैगन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट पैसों की बर्बादी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। एक परफेक्ट एंटी न्यूक्लियर मिसाइल बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और ऐसा करके हम दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कंपटीशन को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। अंत में आपको कार्ल सैगन एज ए पर्सन भी जान लेना चाहिए, मतलब कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अपनी जिंदगी में कार्ल सैगन ने 3 बार शादी की थी और उनके टोटल 5 बच्चे थे। वो अपने विचारों को बहुत ही खुले अंदाज में एक्सप्रेस करने के लिए जाने जाते थे। सैगन कहते थे कि दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, पहले वो जो भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं और कहते हैं कि वो आसमान में कहीं बैठकर हम सभी के गुनाहों का हिसाब कर रहा है, और दूसरे वो जो फिजिक्स के नियमों को ही भगवान मानता है। जब तक हम इस यूनिवर्स के कोने कोने को एक्सप्लोर ना कर ले तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भगवान कहीं बैठकर हमारा किस्मत लिख रहा है या नहीं। लेकिन अगर मैं फिजिक्स के नियमों को ना मानूं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। सैगन कहते थे कि विज्ञान सिर्फ एक ज्ञान से भरा शरीर नहीं है, बल्कि ये सोचने समझने का एक जरिया भी है। अपनी जिंदगी के अंतिम सालों में उन्हें माइलोडिस्प्लेसिया नाम के कैंसर से जूझना पड़ा और उनका 3 बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हुआ। 20 दिसंबर 1996 को वाशिंगटन के फ्रेड हचिंसन कैंसर रिसर्च सेंटर में निमोनिया के कारण उनकी मौत हो गई। साइंस और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हमेशा के लिए चमकने वाले इस हीरे को न्यूयॉर्क के लेक व्यू सेमेट्री में दफना दिया गया। कार्ल सैगन को अपनी लाइफ में अनगिनत अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनके जाने के बाद भी उन्हें भुलाया ना जा सका। साल 1997 में न्यूयॉर्क के इथेका में सैगन प्लैनेट वॉक नाम से एक साइंस सेंटर खोला गया। 5 जुलाई 1997 को जब नासा का मार्स पाथफाइंडर स्पेसक्राफ्ट मार्स की सतह पर उतरा था तो उसकी लैंडिंग साइट का नाम कार्ल सैगन मेमोरियल स्टेशन रखा गया था। एस्ट्रॉइड बेल्ट के एक एस्ट्रॉइड का नाम भी कार्ल सैगन के नाम पर रखा गया है। एंड आई होप कि कार्ल सैगन के मेमोरी में बनाया गया मेरा ये वीडियो भी उनके लिए एक सच्चा ट्रिब्यूट होगा। तो इसी बात पर एक लाइक करना तो बनता है यार। और क्या आपको ऐसे ही अन्य फेमस साइंटिस्ट के लाइफ स्टोरीज के बारे में वीडियो चाहिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर ये वीडियो 50,000 के लाइक एम तक पहुंच गया तो मैं आपके द्वारा कमेंट में सजेस्ट किए साइंटिस्ट के बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो सोच क्या रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से नीचे लाल वाला बटन दबाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना मत भूलना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।